सर्दियों के मेवा के रूप में प्रकृति ने हमें कई चीजें दी है। इनमें मिठास से भरपूर खजूर का मुख्य स्थान है। सर्दियों में खजूर का सेवन न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। अपनी मिठास और औषधीय गुणों के कारण लोकप्रिय खजूर को विश्व भर में खाया जाता है। खजूर ताड़ प्रजाति का पेड़ है और खाद्य फल के तौर पर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा, स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम कृषि विशेष में, जिसमें आज हम बात करेंगे खजूर की और जानेंगे इसकी खेती के बारे में। खजूर की खेती बहुत पहले से हो रही है और इसलिए इसका सटीक मूल स्थान खोजना लगभग असंभव है, लेकिन जलवायु के प्रति इसकी अनुकूलता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद इसका मूल स्थान मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देश है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी देश दुनिया में खजूर के सबसे बड़े उत्पादक हैं। 10 देश मिस्र, ईरान, अल्जीरिया, सऊदी अरब, इराक, पाकिस्तान, सूडान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और ट्यूनीशिया खजूर के प्रमुख उत्पादक हैं, लेकिन 24 अन्य देशों में खजूर की खेती रुक रुक कर होती है। मिस्र खजूर का सबसे बड़ा स्रोत है, जो वार्षिक उत्पादन का 17% है, जबकि ईरान में खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ध्यान और रखरखाव की कमी और खजूर की खेती के पारंपरिक तरीकों के कारण ये दुनिया के 7.7% उत्पादन के साथ मिस्र के बाद दूसरे स्थान पर है। खजूर की खेती में अब भारत का नाम भी जुड़ चुका है। राजस्थान के मरुस्थलों में पिछले कुछ वर्षों में खजूर की पैदावार बेहद सफलता के साथ की जा रही है। राम राम जी, मैं साधुलाराम चौधरी, आलमसर, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, राजस्थान। आज खजूर की खेती के बारे में डीडी किसान चैनल से पधारे हुए साथियों का स्वागत। भाई, खजूर की खेती ये डेजर्ट की खेती है और 2007-08 के पास में, 10 के पास में ये चल रहा था कि किसान कुछ न कुछ नवाचार करे। तो हमने मतलब जो है यहाँ सरकार को सुझाव दिया कि कच्छ भुज में खजूर हो सकती है तो राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर में भी खजूर हो सकती है। तब हमने 2010 में राजस्थान सरकार के सहयोग से खजूर की खेती की शुरुआत की और सरकार ने हमको 90% सब्सिडी पर प्लांट्स उपलब्ध करवाए, पौधे उपलब्ध करवाए। सबसे पहले मैंने 312 पौधे बरही के लगाए 2 हेक्टर में, उसके बाद मेडजूल के 150 पेड़ लगाए 1 हेक्टर में, उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसको खजूर को सार संभाल करनी शुरू की। इतना पूरा हमको नॉलेज नहीं था, फिर भी हमने इसको शुरू किया तो 2013 में खजूर का पहला फल आया। खजूर में नर और मादा अलग होते हैं, इसलिए जो हमको नर दिए गए थे उसमें क्षमता कम थी, जो मादा के हिसाब से पूर्ति नहीं कर पाए। फिर मेरे को गुजरात जाना पड़ा, 3-4 बार जाना पड़ा। वहाँ से हम नर का पाउडर लेकर आए, नर के वो हथे लेकर आए, फिर मतलब जो है नर का पौधों का पाउडर निकाल के मादा के पौधे पर पोलिनेशन, खजूर में पोलिनेशन हाथ से करना पड़ता है और हर साल करना पड़ता है और हर हत्थे पे करना पड़ता है। इस प्रकार खजूर की खेती शुरू हुई 2013 में। फिर तो मार्केट की प्रॉब्लम आई, यहाँ के लोग जो है बाड़मेर के और इधर आसपास के लोग खजूर खाना पसंद भी नहीं करते थे, क्योंकि खजूर जो गुजरात से उधर से जो खजूर आ रही थी वो थोड़ी खजूर खट्टी थी और गले में मतलब जो है खराश पैदा करती थी, इसलिए लोगों ने विश्वास नहीं किया। फिर मैंने मतलब जो है शुरू में 50 रुपये किलो खजूर को बेचने का प्रयास किया, खजूर बेची, लोगों को खिलाया। फिर लोगों के दिमाग में आया कि खजूर तो एक अच्छी चीज़ है और इसको क्यों खाना चाहिए, ये भी धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात आई। फिर 2014 की फसल आई, फिर 2015-16 इस प्रकार मैंने धीरे धीरे करके मतलब जो है मेरे 4 हेक्टर में मैंने 650 पेड़ लगाए। खजूर एक ऐसा फल है जो जमीन से काफी ऊपर लगता है।
आमतौर पर इसकी खेती रेगिस्तानी इलाकों में होती है। इसकी खेती करने पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। एक एकड़ के खेत में खजूर के तकरीबन 70 पौधे लगाए जाते हैं। इसके एक पेड़ से 70 से 100 किलो तक की पैदावार हो जाती है। खजूर का पेड़ न सिर्फ एक मीठा फल प्रदान करता है, बल्कि इसके पत्तों का उपयोग करके कई आवश्यक वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है। कोई चीज खराब नहीं होती। खजूर का जो पत्ते वगैरह जो पत्ते हैं, उनको भी साठ गाल के उनकी जो प्लाई बनाई जाती है, वो भी बहुत बेहतरीन और मजबूत प्लाई। बाकी पत्तों के छोटी छोटी टोकरियां बनाते हैं, बैठने के लिए दरियां बनाते हैं, और इसके जो बीच में जो जुट टाइप है, इसको लोग मतलब जो है वो निकाल करके इसकी रस्सी बनाते हैं। बहुत मजबूत रस्सी बनती है। छोटे छोटे बड़े इनकी मतलब जो है वो खिलौने भी बनाते हैं, इनकी छोटे छोटे पत्तियों के काट के, और ऐसे तिरछे बहुत अच्छे बनाते हैं। राजस्थान की शुष्क और गर्म जलवायु खजूर की खेती के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार भी राज्य के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में खजूर की खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन दे रही है। खजूर के पौधे लगाने के लिए रेतीली और भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है। ऐसे में खेती शुरू करने से पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दी जाती है। फिर खेत को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद कल्टीवेटर के जरिए 2 से 3 बार फिर जुताई की जाती है। ऐसा करने से खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, और फिर खेत को समतल करके उस पर गोबर की खाद डाल दी जाती है। ऑर्गेनिक तरीके से खजूर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसानों में इसकी खेती और उपभोक्ताओं में इसकी खपत काफी लोकप्रिय है। मेरा जो खजूर का फार्म है, ये 100% ऑर्गेनिक फार्म है। हम प्राकृतिक खाद गाय की, भेड़ की, बकरी की, इसका उपयोग करते हैं। जीवामृत है, अग्नि अस्त्र है, निंबा अस्त्र है, वैष्णी कंपोजर है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं खेत के अंदर। कोई पेस्टिसाइड, नो केमिकल, नो गैस, नो स्प्रे, हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे पेड़ बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं। इस खजूर की पैदावार जब बढ़ी, तब मतलब जो है लोगों को भी पता लगा। काफ़ी लोग मतलब जो है दूर दूर से फार्म देखने भी आ रहे हैं और खजूर की जानकारी प्राप्त करने भी आ रहे हैं। अभी पिछले साल ये मार्च में जो है हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा मेला लगा था, चैत्री मेला जिसको बोलते हैं, मलिनाथ जी का मेला। उस मेले में भी मतलब जो है भारत सरकार का प्रोग्राम था, उसमें भी मेरे को बुलाया गया था। तो उसमें माननीय भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, और कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, ये पधारे थे। और वहाँ भी मैंने मतलब जो है मेरी मंच पे बात रखी थी, उन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, और खार को भी मतलब जो है खार के बारे में समझ रखी, कुछ समझा। इसके बाद में अभी अगस्त में एक सेमिनार हुआ था काजरी में, जोधपुर काजरी में, वहाँ भी मुझे बुलाया गया। तो वहाँ मतलब जो है माननीय तोमर साहब, शेखावत साहब और कैलाश जी चौधरी साहब, ये उस मीटिंग में भी थे। इन्होंने मतलब जो मेरे से खारक ली और इन्होंने खारक को खाया, खारक की गुणवत्ता परखी, खारक को देखा कि वास्तव में मतलब जो है खारक बहुत अच्छी है। फिर इन्होंने वहाँ भी, ये मेरे हिसाब से काजरी की डिमांड थी कि यहाँ टिश्यू खजूर के पौधे मिलने बड़े मुश्किल है। खजूर के पौधे लगाने के पैदा होने के 3 तरीके हैं। बीजू से, खजूर की ये खासियत है कि माँ जैसी बेटी होगी नहीं। खजूर बीजू से तैयार करोगे तो वो देसी हो जाएगी, टिश्यू से तैयार करोगे तो उसका मतलब जो है सफल फल होगा। या मदर प्लांट, जो खजूर के मतलब जो है माँ से साइड में जो बच्चा पैदा होता है वो उसके जैसा ही होगा। इसलिए खजूर के पौधे लोगों को नहीं मिल रहे हैं, ये समस्या थी। तो तोमर साहब ने मतलब जो है स्वीकृति भी, खजूर दे के, खजूर खा के, तो स्वीकृति भी दी कि भाई खजूर के ये पौधे यहाँ लगने चाहिए, यहाँ लग जाएंगे और बहुत अच्छी खजूर है और इस खजूर के गुण भी बहुत अच्छे हैं, ये खजूर लगनी चाहिए। उन्होंने मतलब जो है मेरी बात की तायद की। दुनिया भर में खजूर की कई किस्मों का सेवन किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मेड्यूल खजूर की। मेड्यूल खजूर एक ऐसा खजूर है जो पूरे विश्व में बेहद ही चाव से खाया जाता है। हालांकि सऊदी अरब, जॉर्डन और मोरक्को में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। ये देखने में लाल भूरे रंग का होता है और स्वाद में ये बेहद ही लाजवाब होता है। खजूर की इस किस्म में रेशेदार बनावट होती है। दूसरे किस्म का खजूर ओमानी खजूर सभी तरह की खजूर की किस्मों में काफी अच्छा माना जाता है और इसीलिए इसके दाम थोड़े अधिक भी होते हैं। खजूर की इस किस्म की उत्पत्ति मध्य पूर्व के ओमान में हुई है।
और शायद इसीलिए इसे ओमानी खजूर कहा जाता है। ओमानी खजूर आमतौर पर गहरे भूरे रंग का होता है। अन्य खजूर की तुलना में ये आकार में बड़े होते हैं। इतना ही नहीं, इनका स्वाद भी अन्य खजूर की अपेक्षा कहीं अधिक मीठा होता है। तीसरी किस्म यानी खुदरी खजूर सऊदी अरब में पाया जाता है। ये एक मीडियम मीठा खजूर होता है जो छोटे और बड़े दोनों आकारों में आता है और ये गहरे भूरे रंग का होता है। जिन लोगों को बहुत अधिक मीठा खजूर खाना पसंद नहीं है, वो चौथी किस्म का खजूर यानी अमीरी खजूर को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। खजूर के इस प्रकार की उत्पत्ति इराक में हुई है। अमीरी खजूर आमतौर पर लंबा और लंबे आकार का होता है। हलवी और मजपति खजूर की अन्य किस्में हैं। कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि खजूर किस तरह से हमारी सेहत के लिए लाभदायक है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। संस्थान यूं ही नहीं बनते, ये श्रेष्ठ बनते हैं शिक्षा से, समाधान से, संरक्षण, उपचार और अनुसंधान से। किसानों की समस्या हो या फिर पशुपालन की या फिर कृषि उद्यमी के उद्योग लगाने तक का सफर, आपके हर सफर में आपका हम सफर। देखिए श्रेष्ठ संस्थान हर रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं खजूर की। इस विदेशी ताजे पके फल को खजूर और पके सूखे फल को छुहारा कहा जाता है। दोनों ही रूप में खाया जाने वाला खजूर एक चमत्कारी फल है, जो न सिर्फ व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि ये कई रोगों की रोकथाम में कारगर है। पोषक तत्वों से भरपूर खजूर में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें आयरन और विटामिन भी पाए जाते हैं। इसके सेवन से शारीरिक ताकत बढ़ती है और कमजोरी दूर होती है। रात में दूध के साथ खजूर का सेवन करना या इसे दूध में उबाल कर पीना सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा खजूर को रात भर पानी में भिगोकर और सुबह खाली पेट सेवन करना भी काफी लाभदायक माना जाता है। खजूर का सेवन कई बीमारियों में लाभदायक है। इसे नियमित रूप से खाने से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। फाइबर की भरपूर मात्रा पाए जाने की वजह से खजूर पाचन तंत्र को बेहतर करता है और इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी खजूर का सेवन काफी फायदेमंद है। इसमें विटामिन बी और कोलीन पाया जाता है, जो स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को बढ़ावा देता है। खजूर का नियमित सेवन पुरुषों में वीर्य की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने में भी मददगार होता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं और हड्डी के रोग होने का खतरा कम होता है। खजूर के सेवन से रक्त में शर्करा को नियमित बनाए रखने में भी मदद मिलती है। मधुमेह के मरीजों के लिए भी खजूर काफी लाभदायक है। खजूर में आयरन, विटामिन सी और विटामिन डी पाया जाता है। त्वचा और बालों के लिए इसका सेवन फायदेमंद होता है। सेहत के लिए बहुत से फायदों के चलते किसान इसकी खेती को बढ़ावा देने और प्रचार करने की बात भी कर रहे हैं। सरकार इसको मतलब जो है प्रोत्साहित करे लोगों को कि खजूर क्यों खाना। लोगों को ये बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि कोई चीज क्यों खानी, अपने स्वास्थ्य के लिए खानी है। खजूर एक ऐसी चीज है जिसमें तुरंत एनर्जी, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना,
कुछ भी करो, तुरंत एनर्जी सिर्फ खजूर से ही मिलती है। सरकार पूरा प्रचार प्रसार करे। जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, जापान में बोकादो फल को कोई नहीं जानता था, सरकार ने उस फल को घर घर पहुँचाया, सब लोग खाने लगे। यहाँ भी मतलब जो है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ मतलब जो है माउथ पब्लिसिटी बहुत कारगर है। लोगों को ये बात सरकार बतावे कि आपको ये चीज़ खानी चाहिए, तो मतलब जो है लोग उस चीज़ को अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे, अपने खाने में शामिल कर लेंगे, तो हम किसानों का जो उत्पादन है वो फटाफट बिक जाएगा, खराब नहीं होगा। खजूर के पेड़ को पूर्ण फलत में आने में लगभग 4 साल का समय लग जाता है। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों में तीसरे साल से ही फल आने लगते हैं। जैसे जैसे पेड़ों की आयु में वृद्धि होती जाती है, उपज में भी बढ़ोतरी होती जाती है। खजूर के फलों को उचित समय पर तुड़ाई करके उन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। फलों को साफ और श्रेणीकरण करके बेचने पर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। राजस्थान के किसान न सिर्फ खजूर की खेती करके फायदा उठा रहे हैं, बल्कि स्वयं ही इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जुटे हैं। बाड़मेर जिले में कृषि की बात करते हैं तो यहाँ पे 80% कृषि सिंचित क्षेत्र का न होते हुए बारानी खेती और 20% ही सिंचित क्षेत्र है। अगर 2010 से पहले की बात करें तो केवल बागवानी में यहाँ पे बेर और थोड़ा सा आंवला था, परंतु 2010 के बाद एक जिस तरह से यहाँ के किसानों ने एक नवाचार किया और जिसमें वैज्ञानिकों और अधिकारियों का अहम रोल रहा, उसमें खजूर जो कि मरुस्थल का पौधा होता है और उस खजूर को यहाँ पे सबसे पहले 10 हेक्टर पे 2010 के अंदर गत लगाया, जिसमें बरही और मेड़झूल किस्मों को यहाँ लगाया, और उस किस्मों की सफलता को देखते हुए आज अगर आप खजूर की बात करते हैं तो लगभग 156 हेक्टर एरिया में खजूर इस बाड़मेर जिले में है, जिसमें बरही है, मेड़झूल है, खुन्नेजी है, खदरावी है, और जो भुज का सिलेक्शन है 100 नंबर का, 60 नंबर की वो सिलेक्शन, और किसान उसको आर्थिक करके और इस खजूर के बलबूते पर किसानों ने अच्छी इनकम भी ले रहे हैं और उनको इस तरह से उसको पैकिंग करके ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके उस तरह से कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक में जो मेड़झूल किस्म है, जिसकी अगर गल्फ कंट्री में बात की जाए तो कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि इस तरह की खजूर बाड़मेर जिले और रेगिस्तान में हो सकती है, परंतु यहाँ पर 25 से 32 ग्राम तक की जो मेड़झूल किस्म है, जो 1000 रुपये किलो तक जिसकी मार्केटिंग है वो किसान कर रहा है, और 500 से 1000 रुपये किलो तक की और जो किसान खजूर को बेच रहा है, और मार्केटिंग चैनल का अगर देखते हैं तो मार्केटिंग चैनल में नियर बाई जो स्टेट्स हैं, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे MP हो, उन इलाकों में किसान सीधा संपर्क करके और अलग अलग तरीक़ों से जो एक्सपोर्टर आते हैं उनके माध्यम से खजूर की मार्केटिंग कर रहे हैं, और खजूर के बलबूते किसान आज इस बाड़मेर जिले की एक अलग पहचान बनी और बागवानी में खजूर का एक अहम रोल हो गया है, और अब किसानों ने खजूर की तरफ आकर्षित हुए हैं। अब बरही, मेड़झूल, खुन्नेजी, खदरावी, भुज सिलेक्शन को बहुत सारे किसान अपनाने को आतुर है, और सबसे बड़ी बात है कि खजूर में अगर आप देखते हैं तो पानी की जो समस्या और यहाँ की है उसमें ड्रिप 100% जो बगीचे लगे हैं वो ड्रिप आधारित है, ताकि कम से कम पानी में भी उसका अच्छा मुनाफा मिल सके, और इन सब को देखते हुए अब एक अलग से मार्केट, और अब आने वाले समय में हम जो भारत सरकार का जो उद्देश्य है कि किस तरह से हम किसानों को समृद्ध करें, तो एक खजूर का फार्म जो उत्पादक किसान संगठन है FPO वो इसका बनेगा, और आने वाले समय में खजूर यहाँ से जो अभी तक खाली गल्फ और नेपाल और बांग्लादेश जा रहा था वो आने वाले समय में बहुत सारी जगह भी जाएगा, और धीरे धीरे इसकी प्रोसेसिंग प्लांट जो अभी तक किसान अपने लेवल पर कर रहा है कि उसको प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग वो कर रहा है, अब उसमें सेकेंडरी और टर्सरी जो प्रोसेसिंग है वो भी आने वाले समय में इसके एरिया जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पे करेगा, और अब किसान खजूर की ओर आकर्षित होने लगे हैं। राजस्थान के किसानों ने न सिर्फ अपने मरुस्थलों में खजूर की खेती की शुरुआत कर भारत का नाम भी खजूर के उत्पादकों की सूची में जोड़ दिया, बल्कि बहुत कम वर्षों में अपने खजूर की पहचान विश्व स्तर पर बनाने में वो सफल हुए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में किसान खजूर की खेती को एक नया आयाम देंगे। खजूर की मार्केटिंग मैंने लोकल लेवल पे शुरू की, और लोकल लेवल पे मेरी मार्केटिंग एकदम सक्सेस रही, और लोग यहाँ खरीदने शुरू हो गए, लोगों को भी पता लगा, काफ़ी लोग मतलब जो है दूर दूर से फार्म देखने भी आ रहे हैं और खजूर की जानकारी प्राप्त करने भी आ रहे हैं। UAE सरकार द्वारा हमें बुलाया गया, वहाँ खजूर का अबू धाबी में खजूर का शेख खलीफा इंटरनेशनल अवार्ड डेट फार्म एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन का था, तो वहाँ मतलब जो है
खजूर का पूरे वर्ल्ड का मेला था लीवा में, तो वहाँ पूरे संसार के जितने खजूर उत्पादक देश हैं वो सारी खजूरें वहाँ आई हुई थी। हमारे भी यहाँ से खजूर लेकर गए हम मैडजूल और अजवा, हमारी अजवा और मैडजूल खजूर उनके कॉम्पिटिशन में अजवा बिल्कुल बरोबर थी। उम्मीद है कि कृषि विशेष की आज की कड़ी में खजूर से जुड़ी हुई जो जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं इसे आपने जरूर पसंद किया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव और अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।